सराहना करनी होगी जो कि इलाहाबाद सुल्तानपुर में जा रहे हैं। कई सहयोगियों के कहीं ना कहीं जब दोनों टीमें लाइनअप हो जाएगी हम गुजारिश करेंगे आदिल हमदर भाई से अगर दोनों टीमों को से वो बड़े हो और उनको लगा करे कौन सी टीम है आपकी कौन सी टीम है सुल्तानपुर जीत के बीबीए का सोच किया है चलिए थोड़ा सा इस पहले रेड में ही रेडर को खारा कर दिया बोलिए इस हाफ में आपको बोलते रहिए चलिए अगले हाफ में हम चलिए बिल्कुल चलिए रेडर बिबिया करनपुर लाज बचाओ क्या इसी रेशियो में खेलेगी दोनों टीमें भाई में बहुत अनाउंसमेंट करेगा साथ डिफेंड कर रही है टीम सुल्तानपुर शुरुआती क्षण है पहला हाफ पर गति पर कोशिश करता हुआ एक खिलाड़ी लेकिन यह पीरियड पर संतुष्ट होना पड़ेगा एक बार फिर हर्ष 16 नंबर की जर्सी में क्या इस बार कोई बड़ा कारनामा करेंगे ये देखने वाली बात होगी राइट कॉर्नर से शुरुआत की है बीच में अटैक किया गया था लेकिन अभी तक असफल बिल्कुल कोई मौका नहीं दीदिया करणपुर है जरा मौका तो बिल्कुल नहीं देगी चलिए एक बार फिर वही 54 नंबर सुपर ट्रेकर है चलिए जनाब सुपर ट्रेकर करिए आप 2 पॉइंट लेके जाइए लेकिन यहां पर खाली रेड देखिए दर्शक चारों तरफ से जमावड़ा बेहतरीन टूर्नामेंट होता हुआ मनैतापुर जम जम कबड्डी प्रतियोगिता मनैतापुर में एक बेहतरीन टूर्नामेंट हालांकि हम लोगों की दुआएं और दर्शकों की दुआएं यही रहेगी कि सफल टूर्नामेंट यहां पर फाइनल तक हो और यहां पर चकमा दे दिया पूरी तरीके से रनर ने और एक पॉइंट यहां पर आता हुआ तो ये हुनर है मनैतापुर वालों के अंदर चकमा देना जानते हैं बिल्कुल सुल्तानपुर वालों अगर कुछ करना है तो कर गुजरो अभी वक्त है लेकिन का कर गया शेर का सवाल शेर जब मिला है का कर गया ऑल आउट हो गए सुल्तानपुर कोई बात नहीं हौसला रखिए रख हौसला वो मंदिर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा अरे थक कर न बैठ मंदिर के मुसाफिर मंदिर भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा चलिए कोशिश करता हुआ ये रेडर कोशिश करेंगे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो आप कोशिश करिए आज नहीं तो कल जीत में है चलिए 54 नंबर की जर्सी में ये रेडर हालांकि इनके अंदर स्टेमिना बहुत है बार बार वही एक रेडर 54 नंबर पॉइंट की जाए तो यहां शून्य वित्त मंडल सुल्तानपुर और बीडिया करणपुर 10 यहां दहाई का आंकड़ा छू चुकी है लेकिन सुल्तानपुर शून्य अगर पहले हाफ में आप शून्य रहे तो चले जाएंगे सुल्तानपुर ध्यान दीजिएगा पहले हाफ में आपको खाता खोलना पड़ेगा वरना आप बाहर का रास्ता तय कर देंगे तो
कहीं ना कहीं आप खाता खोलिए जनाब, अगर आपको इस मैच में बने रहना है तो कोशिश करता हुआ लेना। और नहीं नहीं बिल्कुल शून्य से हो गया एक, तो अब दूसरे हाथ के दावेदार हो चुके हैं। दो आई दो आई का इशारा, यस वन पॉइंट का इशारा। चलिए यहाँ पर तमाम होता हुआ, अब जगह है सुल्तानपुर वाले है। अगर इसी तरीके से आप चलते रहे, अगर कहीं ना कहीं एक बार आप ऑल आउट कर देते हैं विवियकरणपुर को, तो कहीं ना कहीं बराबरी का आंकड़ा, लेकिन डिफेंडर बेहतरीन है हमारे डिफेंडर की हुई टीम। इसके तुरंत बाद हाजीपुर और मरवन अपने सुरीली आवाज से कहते हैं अंदाज से प्रतापगढ़ में जो कबड्डियां हो रही हैं आजाद और ट्रॉफी कहीं ना कहीं बहुत मुख्य भूमिका रही है इनकी। हम तो हर जगह नहीं पहुंच पाते, लेकिन ये लोग हर जगह न जाना चाहेंगे तब भी इनको पकड़ा जाएगा। चलिए इस बार भूपेंद्र भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जाता हुआ वहीं पर बात किया जाए तो 3 और 11 एक लंबा अंतराल हो गया पहले हाफ का खेल समाप्त होने के बाद, लेकिन अच्छा खासा लीड निश्चित तौर से देखा जाए। पंकज जैन की कंपनी डिफेंस करते हुए खूबसूरत के साथ पॉइंट की तलाश में। हालांकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर हमारे बड़े भाई आजाद कोई तरीके से कोई मौका नहीं था पॉइंट की तलाश में, हालांकि जूझ रहा था खिलाड़ी। अगले मैच के लिए मुफीद राय उस साइड से अनाउंस कर दीजिए पूछने के मौका भाई से, क्योंकि टीम तैयार रहेगा लगातार मैच को खिलाया जाएगा। मरवान और हाजीपुर, मरवान और हाजीपुर अगर आपको काबरा दर्शकों के बड़ी चहेती टीम हाजीपुर और रोशन जी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपने चैनल के साथ लगातार बने हैं तैयार रहे मलवान और हाजीपुर। बात किया जाए तो दर्शकों की तारीफ करनी होगी, दर्शक कितनी बेहतरीन तरीके से देखिए आप कितने ऊंचे ऊंचे इमारतों से मैच का आनंद लुप्त ले रहे हैं कबड्डी प्रतियोगिता का। बिल्कुल बिल्कुल, इस गर्मी में इस तरीके से खड़े हैं सराहना करनी होगी इनकी हिम्मत को सलाम। चलिए यहाँ से अच्छे खिलाड़ी के साथ साथ एक बेहतरीन जानकारी भी होनी चाहिए आपको। बिल्कुल जानकारी तो जरूरी है, बिना जानकारी के कुछ भी नहीं। और 4 खिलाड़ी कोर्ट में 2 चयन के साथ डिफेंस करती हुई टीम, देखना है क्या टैकल किया जाएगा नहीं। चलिए सेफ रेड एम्प्टी रेड जाता हुआ बात किया जाए अगले मैच और हाजीपुर के बीच एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। थोड़ा हाजीपुर की बात किया जाए तो पेशेवर टीम है, लेकिन मरवान की बात किया जाए हाजी कंपनी नहीं लगेगी, लाइन में खड़े रहिए भैया, आराम मत करिए लगातार आप ही खड़े हो जाइए, बैठे रहोगे तो निश्चित तौर काम गड़बड़ हो जाएगा। आजाद भाई देख रहे हैं उनको हाथ पकड़ के उठा रहे हैं, ऐसे बेहाल हो चुके हमारे लाइन में थकावट से बिल्कुल चूर। और 5 खिलाड़ी कोर्ट में आराम, क्या खूबसूरत बाहर का रास्ता दिखाया गया रेडर को, टेस्ट कर दिया। अगली टीम तैयार रहेगी मरवान बनाम हाजीपुर। बिल्कुल हाजीपुर की हाजीपुर प्रताप भाई और अकरम के पास चले, अब इस तरह अकरम आपको बुला रहे हैं प्रतापगढ़ में हाजीपुर बुला रहे हैं। बेहतरीन टूर्नामेंट बेहतरीन जो है इस वर्ष टूर्नामेंट खेल रही है हर एक टूर्नामेंट में। हर आपको बता दो प्रतापगढ़ में जो 3 टॉप पे मैं टीमों का नाम सम्मान रखता हूँ उसमें प्रतापगढ़ स्टेडियम है, दूसरी हाजीपुर है, तीसरी सीता है, तीनों एक मजबूत और एक बेहतरीन टीम है। और राजा भाई ने जो इस बार हमें राजा भाई पिछली बार ही इस चीज को कहीं ना कहीं सोचा था कि अब प्रतापगढ़ में 2 गोल पर खिलाया जाएगा, क्योंकि पिछले सीजन आपने देखा था एक टीम मात्र हाजीपुर थी जो हर एक टूर्नामेंट बिल्कुल बिल्कुल। एक समय ऐसा आता है कि
खत्म हो जाता तो ये अच्छा काम सराहनीय काम हुआ है जो पूल वाइज का गेम चालू हुआ है। चलिए एक रेड रेड करता हुआ वही स्कोर बोर्ड 15 और 6 लंबा अंतराल हो गया। 1 मिनट का शेष इस मैच का। रेड रेड करता हुआ 25 नंबर की जर्सी में ओहो इतनी आसानी के साथ जबरदस्त अपने चैन में फंसाया। चलिए लगभग एक तरफा मुकाबला चलता हुआ है। 16 एक तरफ 6 एक 16 और 6 वन साइडेड की लीड बड़ी लीड वन साइडेड मुकाबला चलता हुआ कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल्कुल लंबा फासला टीमों के बीच चल रहा है। यहाँ पर 6 और 16 पंकज टाइम पास करने की रणनीति ये हो सकता है। लास्ट रेड हो चुकी 16 नंबर की जर्सी में रेड रेड करता हूँ और एडवांस टैकल करने के लिए हालांकि आखिरकार ग्रिप तो बनाया गया था लेकिन निश्चित तौर से थोड़ी सी फिसलन और मैच गेम फिर छोटा हुआ। हाजीपुर और बलवान की टीम भाई कमेटी का निर्देश है जब तक दर्शक बाहर नहीं होंगे गेम नहीं शुरू किया जाएगा। बीबीए कर दर्शक थोड़ा सा पीछे हो जाइए भाई सुल्तानियों से बैठने की जगह ही नहीं।